मेरा नाम नंदकिशोर चौहान है, मैं राजपुर आशा संस्था से आया हूँ। चलिए आज हम शोभाराम भाई के माध्यम से बड़वानी जिले की राजपुर तहसील की ग्राम पंचायत नहरावला में जो उनकी खेती में सीपीएच जो तालाब ऊपर है उसमें से सीपीएच के माध्यम से पानी बह रहा था। वो भाई पहले खेती से कुछ भी फसल का उत्पादन नहीं ले पाता था, लेकिन आज वो किस तरीके से फसल का उत्पादन ले रहा है जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने कैसे नाली बनाया और किस प्रकार से पानी के सीपीएच के पानी को बाहर निकाला है। चलो जानते हैं उन्हीं से। राम राम दादा। राम राम। मानव नंद किशोर चौहान छे, हम राजपुर आशा संस्था से आयल छे। अच्छा भैया, तुम मगर ये बताओगे कि जो तालाब द्वारा तुम्हारी फसल काफ़ी नष्ट होती थी और पहले तुम कुछ भी फसल नहीं ले पाता थी, लेकिन अभी कुछ फसल ले पाओ तो तुम ना सो का करो कि तुम फसल अभी ले पाओ। ये तालाब को पानी जो बारिश में भराना तालाब बारिश में भरे जाए कि नहीं, तो यहाँ से पानी निकल ये ना, पानी का वजह से ये हमारा खेत नष्ट होता तो पहले काम कई फसल नहीं होती थी। ये काम हमने लांगा का उंडो करियो, लांगो उंडो करना से अभी ये पहली बार गेहूँ बोया जा भी हमने। दादा मगर ये तुम बताओगे कि जो लांगी तुमने बनाई, हाँ, कोई से जानकारी लीज कि तुमने खुद मतलब निर्णय लियो ना बनाई जाए लांगी ना, अंदाज लगायो कि यो गहरो हुई जाए तो क्या अपने खेत में फर्क आ जाए, तो एक हमने फिर शुरू में लगाई करी ना वो थोड़ो उंडो उतार दियो तो वका से हमको फायदो मिलना लग्यो अभी, नहीं तो बारिश की फसल भी एकाम कहीं नहीं होती थी, तो मतलब टोटल फसल नष्ट हो जाती थी। हाँ, जो ये पानी निकल रो ये फोटो में छे, यो ये ना छेद को आई यहाँ तक को छे, बहुत पक्की धार छे यहाँ। तो मतलब तुमने यहाँ लाएंगे मतलब ट्रैक्टर से ब्लास्टिंग करवे ना या खोदा डेल छे? नहीं, हाँ ब्लास्टिंग से एक होल करवे ना ने उड़ायल छे। ये लांगी खोदने का वजह से ये हमारी फसल अभी थोड़ी सी देखे रही अभी। अच्छा, नहीं तो मतलब फसल यहाँ भी नहीं आ पाती थी, यहाँ भी नहीं आती थी। अच्छा, कुल मिले सब सड़ावलो लग जाते मतलब पानी फसल है यहाँ से पानी सीधो घुसी जाता तो ये पूरा यहाँ से पानी आई पानी कसो आप बहरो सीधो आसो चलते थे काम लागो। अच्छा, या नाली कभी पक्की बनी जाए तो यह बारिश की फसल हम इना खेत में आज भी ले सका, हमको पूरा यकीन है कि यह काम से पानी पूरा नितार हो जाएगा। हाँ, मतलब पानी पूरा निकल जाए तो अपने बारिश की फसल अच्छी आई जाएगी। हाँ। अच्छा भैया, मैं ये बताओ कि जो नाली जो तुमने निकाला है, हाँ, एक काम कोई ना सपोर्ट करो कि तुमने खुद ने मतलब एक खोदी ये मजदूर लगाया कसो कहीं करेल जाए? ये काम हमको कोई की सहायता नहीं मिले है, ये काम हमने स्वयं हमारे जेब का पैसा लगे ना और मजदूर लगे करी ना, ट्रैक्टर का वाला का पैसा भी हमने दिया, ये सब ये काम कोई कोई एक नए पैसों नहीं है, हमारे स्वयं को पैसों से। अच्छा, मतलब अपनी खेती का अपन खुद नन सुधारी जाए? हाँ, क्योंकि फसल कहीं नहीं आती थी अभी वो तो जो भी दूसरा खे एक दूसरों टुकड़ो थे वो कि वो को पैसों ये काम लगाता चली जाए। अच्छा, तो हमारी तो गरीबी दिन दिन बढ़ती गई बढ़ती मतलब गई घट गरीबी बढ़ती गई बाकी कई दिन मतलब हमको फायदा नहीं मिले तुमको कि मतलब थोड़ो ये कर लियो तुम्हारी खुद की मेहनत से मतलब आज कुछ आई सकज फसल यहाँ से। क्यों भैया, तुमने जो मतलब अपना खेत में जो पानी निकलते थे एक तुमने नाले द्वारा निकाले बहुत बढ़िया तरीकों मगर बताया, पर जैसे कि अन्य किसान भाई ने खेत में अगर कभी कुछ तालाब ऊपर हो तलाई हो कुछ भी अगर हो तो उनको पानी अगर कभी मान लें कि ऐसा बहाव हो वो डायरेक्ट खेत में फसल का नष्ट करते है, तो तुम वो ना किसान भाई ने का संदेश देना चाहोगे? दूसरा किसान भाई ने कहा हम ये समझाऊंगा कि तुम्हारा भी आसपास कहीं जगह भी या सो पानी वही तो है तो वह कह तुम भी ऐसे नाले निकाले ना उंडो उंडी करो नाले का तो ये काम में तुमको फायदा होगा। आज ये मैंने हमारी स्वयं की मेहनत से लांगी बनाई और एक गहरी करी स्वयं को पैसों लगायो तो आज ये काम थोड़ो कम से कम खाना ये तो अभी निकालना लगी हो
नहीं तो पहला कई एक नया पैसा को नहीं पाकतो देखा मैं मारो तो यही कहना पड़े सभी किसान भाई ने यो कहना पड़े कि तुम भी इन तरीका से लांगी निकाल दो जहाँ भी पानी वही तो है तो तुम्हारी फसल थोड़ी में थोड़ी आ जाएगी। सब किसान भाई ना कर राम राम। भैया तुमने जो मतलब सीपीएच का जो पानी का बहाव का संबंध में बहुत बढ़िया जानकारी दी और तुमने जैसे फसल नष्ट होती थी अपने फसल के नष्ट होने से भी बचाए कल्याण तुमने इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी दी कि फसल के केना प्रकार से अपन बचे सकें ठीक है जो पानी का बहाव का अपन केना तरीका से निकाल सकें और यह जानकारी बहुत बढ़िया है ये कल्याण तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक भैया हाँ चलो चलो राम राम भैया राम राम, राम, राम। Thank you.